सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज. कैसे आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे. सो गाइज, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम CBSE. तो अगर हो सकते हैं कि आप लोगों को पता चल गया हो, आपके स्कूल वगैरह से मैसेज आ गया हो, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मुझे ये मैसेज कैसे मिला. तो मेरे जो क्लास टीचर है मेरे स्कूल के, उन्होंने मेरे स्कूल के ऑफिशियल ग्रुप पे, जो हमारा क्लास का ग्रुप है, वहाँ पे मैम ने ये सर्कुलर पोस्ट करा. और जैसे ही मैंने सर्कुलर पढ़ा, फिर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो ये सर्कुलर बेसिकली किन स्टूडेंट्स के लिए, सो दिस इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेड 10th एंड 12th एंड हु आर इन CBSE बोर्ड. ठीक है, तो हमारा मतलब अभी जो हमारा टर्म 2 को लेके चल रहा था, उसका मतलब काफ़ी एक टेंस सा सिचुएशन थी, बिकॉज टर्म 1 उतने अच्छे रहे नहीं, पेपर टफ थे. तो टर्म 2 में मतलब हमको अगर हमारा स्कोर बूस्ट करना है, अच्छा करना है फाइनल रिजल्ट, तो हमको हमारा टर्म 2 में अच्छा परफॉर्म करना होगा. एंड वहीं पे एक सेकेंड है अदर साइड पे ये सीन बन रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ट्वीट वगैरह कर रहे थे कि बोर्ड्स एग्जाम कैंसिल हो जाए, मतलब जो फाइनल है. तो भाई यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जेन्युइन अपडेट आया है CBSE की तरफ से, तो वो ये है. तो जैसा कि हम सभी को पता था कि जुलाई मतलब 2021 के जुलाई में CBSE ने बोल दिया था कि CBSE मतलब जो बोर्ड एग्जाम है इस बार, वो 2 टर्म्स में होने वाले हैं. और टर्म 1 सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब उनकी तरफ से सक्सेसफुली हो चुका है, भले ही जो भी प्रॉब्लम्स थी. तो भाई उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे टर्म 2 एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होंगे. तो यस गाइस, हम लोगों को इन पर्सन फिजिकली स्कूल में जाके सेंटर्स पे जाके वी नीड टू राइट आवर एग्जाम्स. ठीक है, तो हमें एग्जाम्स फिजिकली जाके लिखना पड़ेगा. तो अब उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ऑफलाइन होंगे, तो प्लीज़ उस चक्कर में मत रहना कि कैंसिल हो जाएंगे और ऑनलाइन होंगे. अपनी लर्निंग पे ध्यान देना और राइटिंग प्रैक्टिस सच में करना, बिकॉज बहुत साल हो गए हम लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी. हमारे टर्म 1 भी MCQ फॉर्मेट में हुए थे, तो राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना. एंड जो उन्होंने डेट्स दी है, डेट्स मतलब अभी डेट शीट नहीं दी है उन्होंने, सिर्फ एक डेट दी है 26th अप्रैल, और जिसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ से एग्जाम स्टार्ट होगी. तो मतलब आप ये समझ लो कि अप्रैल का अब 26th भी मतलब अब मिड ऑफ अप्रैल, उसको ऐसा मान के चलो कि आपके अप्रैल के मिड में एग्जाम शुरू होगी बोर्ड एग्जाम्स. एंड ये डेट सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पास काफ़ी टाइम है, बट गाइज बिलीव मी, इसको ऐसा मतलब एज सच मत लेना कि आपके पास बहुत टाइम है, बिकॉज आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, असाइनमेंट जो आपको मतलब जो जिस चीज़ के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलने हैं, आपको पोर्टफोलियोज वगैरह बनाने हैं, आपको अपनी कॉपीज कंप्लीट करनी है, आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, सबका रिविजन करना है, प्री बोर्ड्स देने हैं. तो गाइज सारी चीज़ें अभी मतलब एक साथ हिट करेगी, तो थोड़ा आप अभी ऐसा आपको लग रहा होगा सुनने में कि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. तो यार अपनी मतलब जो भी सिलेबस, अभी जैसा सिलेबस भी अपना है काफ़ी सारा है, और कुछ स्कूलों में तो ऐसा हो रहा है कि टीचर्स काफ़ी जल्दी करवा रहे सिलेबस ख़त्म, तो और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है. तो यार आपकी साइड से आप लोग पढ़ते रहना, यूट्यूब वगैरह बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप खुद मतलब सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करना. अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं स्कूल पर डिपेंड रहूँगा तो मेरे से नहीं होगा, तो अपनी सेल्फ स्टडी वाली साइड भी यार बिल्कुल एकदम प्रॉपर फॉर्म में रखना, बिकॉज टर्म 2 एग्जाम्स हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हमको पता है कि हमारे टर्म 1 कैसा गया था, एंड टर्म 1 का रिजल्ट को लेके भी बहुत कुछ चल रहा है कि आने वाला है रिजल्ट. तो गाइस जब रिजल्ट आना होगा, आ जाएगा, अभी वो आ जाएगा या कल आएगा, तो उसमें कोई चेंज तो होने वाला नहीं है. वो जब भी आएगा रिजल्ट तो वही आना है. तो रिजल्ट के पीछे मतलब ज़्यादा वेट मत करना, अपना टर्म 2 का जो फोकस है वो एकदम टिप टॉप रखना. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट मोर जेन्युइन अपडेट्स अबाउट दिस बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल दैट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वन सून. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग.